मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अल राशिद कंपनी के बारे में। ठीक है, अल राशिद कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसका नया वैकेंसी निकला है। जो भी सऊदी अरब से रिटर्न आदमी है उसे मालूम है कि अल राशिद कंपनी कैसा है। ये डायरेक्ट कंपनी है, इसका वीजा निकला है। जो भी दोस्त अगर अल राशिद कंपनी में आना चाहते हैं तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और इसमें आपको मैं पूरा जानकारी दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं संजर आलम, आप देख रहे हैं संजर जॉब कल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल राशिद कंपनी के बारे में। ठीक है, अल राशिद कंपनी के बारे में जिसका वैकेंसी निकला है, इसमें जरूरत है। जो भी दोस्त इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट कंपनी है, इसमें कितना सैलरी मिलेगा, कितने घंटे का ड्यूटी है और कौन कौन सा आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट कंपनी का वीजा लगेगा। जो भी दोस्त आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कितना खर्चा पड़ेगा, और ये वीजा जो है लगेगा वो दिल्ली से लगेगा और दिल्ली से फ्लाइट होगा। तो पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल से मिलते रहे। तो जो भी दोस्त आना चाहते हैं, गल्फ कंट्री में काम करना चाहते हैं, तो पूरा जानकारी मिल जाएगा हमारे चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये जो वैकेंसी है अल राशिद कंपनी का है, ठीक है, जो सऊदी अरब से रिटर्न है उसे मालूम है अल राशिद कंपनी कैसा है, और ये डायरेक्ट कंपनी का वीजा लगेगा अल राशिद कंपनी का। इसमें सैलरी आपको मिलेगा सऊदी का 1000 रियाल। ठीक है, सऊदी का 1000 रियाल आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी है और इसमें आपको ओवरटाइम भी मिलेगा और 8 घंटे का ड्यूटी है। ठीक है, 8 घंटे का ड्यूटी है, 1000 रियाल सैलरी, और आपको इसमें ओवरटाइम भी मिलेगा। लेबर की जरूरत है, जो भी दोस्त लेबर कैटेगरीज में आना चाहते हैं सऊदी अरब में, अगर तो इस कंपनी उसके लिए बेस्ट कंपनी है। तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप 50 लेबर की जरूरत है, 1000 रियाल सैलरी, 8 घंटे का ड्यूटी। अगर जो आना चाहते हैं तो उसका एज का लिमिट होना चाहिए 22 से 33 साल की उम्र। ठीक है, जो एज का लिमिट होना चाहिए वो 22 से 33 साल का आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अल राशिद कंपनी में अगर आप आएंगे तो आपका पासपोर्ट, ECR, ECNR कोई भी पासपोर्ट है तो वो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पासपोर्ट, ECR है या ECNR, वो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो दोस्त आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो वीजा लगेगा पूरा वो दिल्ली से लगेगा। जो UP और बीच में है वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। आपको अल राशिद कंपनी की तरफ से रहने का रूम, आने जाने का बस, मेडिकल इंश्योरेंस और सऊदी का नेशनल कार्ड, ये आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। यानी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और सऊदी का नेशनल कार्ड, ये आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। और आपको सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी बेनिफिट है वो आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी बेनिफिट है वो कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप अल राशिद कंपनी में आना चाहते हैं, जो इसमें टोटल खर्चा आएगा वो 90,000। ठीक है, जो टोटल खर्चा आएगा आपका वो 90,000 आएगा इसमें। जो भी दोस्त इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट अप्लाई कर सकते हैं, आपको पूरा 1 हफ्ता के अंदर काम करके दे दिया जाएगा। आप आना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर वैकेंसी आपका स्क्रीन में शो कर रहा है, आप कहीं पर भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी का स्क्रीनशॉट मार करके कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दिल्ली में कोई सा भी ऑफिस में आप जा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, ताकि जो भी दोस्त गल्फ कंट्री में काम करना चाहते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, कोई सा भी काम, लेबर से लेकर ड्राइवर तक या इंजीनियर तक कोई भी काम में आना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से पूरा जानकारी मिल जाए। फिर मिलते हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ में।